क्लास टेन सब्जेक्ट मैथ्स शैलेंद्र कुमार झा आचार्य सरस्वती विद्या मंदिर भरवत सेना बेतिया इससे पहले हम लोग पेर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड से पढ़े थे अब हम लोग इसका सॉल्यूशन अल्जब्रिकली मेथड से पढ़ेंगे उसमें एक मेथड आता है सब्स्यूशन मेथड्स सब्सुशन मेथड इसको हम लोग रिप्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं यानी इसका हिंदी होता है विस्थापन विधि इसमें सबसे पहले हमको जो इक्वेशन दिया रहता है दो इक्वेशन दिया रहेगा दोनों में कोई एक इक्वेशन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उससे वन वेरिएबल का हम लोग दूसरे एक वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म ऑफ दूसरे वेरिएबल के इक्वल कर लेंगे उसके बाद उस वेरिएबल का वैल्यू किसी इक्वेशन में रखेंगे और उससे रखने के बाद मुझे एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा और उसका हम लोग सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं और सॉल्यूशन प्राप्त करने के बाद फिर किसी इक्वेशन में वो दो इक्वेशन जो दिया हुआ है उस इक्वेशन में हम उसका वैल्यू रखने पर दूसरे वेरिएबल का वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं यानी सबसे पहला क्या करना है स्टेप वन में सेलेक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल एके सेकेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबुल इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नेक्स्ट उसके बाद सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अदर इक्वेशन इट बिकम्स ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबुल सॉल्व द इक्वेशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल और जो वन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ उसमें एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं फिर वह वैल्यू को सब्स्यूज करते हैं सब्सिट्यूट द वैल्यू फाउंड जो हम लोग प्राप्त किए हैं इन टू एनी इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऐसा इसमें बोथ वेरिएबल एंड बोथ वेरिएबल बहुत जिसमें दोनों इन्वॉल्विंग बहुत वेरिएबल हो और उसको सॉल्व करते हैं दूसरे वेरिएबल के लिए सॉल्व फॉर द अदर वेरिएबल उसके बाद चेक करते हैं द चेक द सॉल्यूशन इन बोथ ओरिजिनल इक्वेशंस जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें वैल्यू रख करके हम लोग उसको चेक भी करते हैं एग्जाम्पुल है उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं सपोज x प्लस वाई इजकल टू फाइव फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हम लोग मान ले मान लेते हैं लेट थ्री एक्स प्लस टू वाई इजकल टू एट वन ये एक फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं पहला इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन वन फर्स्ट वी गेट वाई इजकल टू फाइव माइनस एक्स नाउ पुट वाई फाइव एक्स माइनस फाइव माइनस एक्स इन इक्वेशन टू देन थ्री एक्स प्लस टू फाइव माइन वाई का वैल्यू यहाँ पर देखिए रख दिया फाइव माइनस एक्स इक्वल टू एट तो थ्री एक्स प्लस टेन माइनस टू इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू माइनस टू ये माइनस टू वन वेरिएबल निकल गया एक इक्वेशन एक वन वेरिएबल का वैल्यू निकल गया और इसको हम अब किसी एक या दो किसी में रखते हैं तो मालेखी में रख दिए वन में ही रखे आप पुट पुट ना पुट एक्स इज्वल टू माइनस टू इन इक्वेशन वन देन माइनस टू प्लस टू फाइव वाईज प्लस टू सेवन एक्स इज्कल टू माइनस टू और वाईजल टू सेवन ये आंसर इस तरह से हम लोगों को सब्सुएशन मेथड को बनाना है अब एक्सरसाइज बनाएंगे हम लोग एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर वन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड्स ये सवाल समझिया हुआ है एक्स प्लस वाई एज का टू फोर्टीन एक्स माइनस वाई टू फोर तो फ्रॉम वन मैंने कहा था वन से वाई का वैल्यू निकाल लिए फिर वाई का वैल्यू टू फिर टू में वो रख दिए और यहाँ एक्स का वैल्यू हमको फाइंड हो गया और एक्स का वैल्यू फिर वन में रखते हैं तो हमारा वाई का वैल्यू हो जाता है इस प्रकार एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं सिमिलरली एक्स माइनस टी इज टू थ्री एक्स वाई थ्री प्लस टी बाई टू इजकल टू सिक्स ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया और इसको सेकेंड इक्वेशन में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं सॉल्व करने के बाद ये सेकेंड इक्वेशन होता है तो हम फर्स्ट देखना पड़ता है इसमें ये ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन जो हमारा है उसमें किसको सेलेक्ट करें ऐसे सेलेक्ट करेंगे जिस वेरिएबल का कॉफिशियट छोटा होगा उसी को हम लोग ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे उसी से हम लोग उस वेरिएबल का इन टर्म ऑफ अदर वेरिएबल्स में रखेंगे तो इसमें भी देखिए एस माइनस टी तो एस का छोटा है तो एस रखे और टी का वैल्यू हम लोग इस तरह सॉल्यूशन निकाल के टी का वैल्यू निकाले सिक्स और टी का वैल्यू हम लोग वन में रख दिए तो एस का वैल्यू आया नाइन इस प्रकार एस नाइन और टी सिक्स ये आंसर आया इसी तरह सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाया है यहां देखिए कि इसमें दोनों नाइन नाइन आ गया थ्री एक्स में तो ये दोनों में न तो एक्स और वाई जो है वह इन्फाइनइट सॉल्यूशंस इसका मिल रहा है सॉल्यूशन है इसलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा तीसरा का क्योंकि हमने देखा कि यहाँ नाइन नाइन एक्स और वाई का डिफरेंट वैल्यू आएगा उसी तरह इस सॉल्व को देखें इसमें कि रूट एक्सर टू माइनस रूट वाई ले लिए इसमें रूट थ्री वाई ले लिए और एक्स का वैल्यू ये फिर इसमें पुट किए तो y का वैल्यू जीरो आया फिर y को हम लोग सेकेंड में फर्स्ट में मान लिए तो y का x का वैल्यू जीरो तो x और y दोनों जीरो हो गया इस तरह से इक्वेशन बनाएंगे फिर एक्सरसाइज टू में हम लोग देखते हैं फिर सह, सभी को सब्सूशन मेथड से ही बनाना है मैं एक दो सवाल इसमें बना रहा हूँ सॉल्व टू एक्स प्लस थ्री वाई टू एंड टू एक्स माइनस फोर वाई टू माइनस ट्वेंटी फोर एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच वाई एज कल टू एम एक्स प्लस थ्री इसमें सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वाई एज कल टू एम एक्स प्लस थ्री इसमें उसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको गिवन वी हैव गिवन द इक्वेशन टू एक्स प्लस थ्री वाई कल टू एंड टू एक्स माइनस फोर वाई टू माइनस ट्वेंटी फोर इक्वेशन वन टू एक्स इजल टू एलेवन माइनस थ्री वाई यहाँ पर हम लोग देखते रहे कि टू एक्स प्लस थ्री वाई सेकेंड में भी है तो पुटिंग टू एक्स इजकअल टू एलेवन माइनस थ्री वाई इन टू देन सॉल्यूशन निकाले तो वाई इजल टू फाइव पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन वन एक्स इजकल टू माइनस टू x और y का वैल्यू हमको मेरे पास फाइंड हो गया है तो हमारे पास जो दिया हुआ है इक्वेशन ये y इजल टू एम एक्स प्लस थ्री इसमें हम लोग उसका वैल्यू रखते हैं तो एम का वैल्यू माइन निकलता है सॉल्यूशन के बाद m जो माइनस वन उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थ्री में है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज ट्वेंटी सिक्स एंड वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर फाइंड दैम ये भी देखिए इसमें हमको पहला नंबर दिया हुआ है

वैल्यूर्टीन इन सेकेंड एक्सल टू थर्टी फर्स्ट नंबर इज थर्टी थर्टीन अब आपको कुछ सवाल मैंने एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का होमवर्क में हम उन लोग कुछ दे रहे हैं जिसमें कुछ जो सवाल बना हुआ है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का मैं इक्वेशन बना रहा हूँ और इक्वेशन का आप सोल्यूशन करेंगे सो, को अगर सॉल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा जैसे क्वेश्चन था कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंग एक्स लेट द लार्जर एंगल बी एंड स्मॉलर बी वाई द रिकॉर्डिंग क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस एंड सेकंड कंडीशन एक्स इज टू वाई प्लस एटीन बाई सॉल्यूशन सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थ्री द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय सेवन बैट्स एंड सिक्स बॉल फॉर रुपीज थर्टी एट हंड्रेड लेटर सी बाय थ्री बैट्स एंड फाइव बॉल फॉर रुपीज सेवन तीन हंड्रेड फिफ्टी फाइन द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच पेन लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज एक्स कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज वाई इन फर्स्ट कंडीशन सेवन बॉल सेवन बैट सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इजकल टू थर्टी एट हंड्रेड सेकंड कंडीशन थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इजकल टू सेवनटीन हंड्रेड फिफ्टी फ्रॉम वन हम लोग निकाले और इसको अगर सेकंड में रखेंगे तो हमको सॉल्यूशन मिलेगा और सॉल्यूशन का जो हमारा इक्वेशन मिलेगा उसको सॉल्यूशन करने के बाद उसका आंसर हमको मिल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन यू विल गेट सॉल्यूशन सॉल्व सो, सोल्व करना ये होमवर्क है ये ऐसा नहीं कि हम पूरा सवाल नहीं बना रहे इसलिए होमवर्क है उसी तरह से चौथा क्वेश्चन में भी है लेट द फिक्स चार्ज इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है कि द फिक्स चार्ज इन सिटी कंसिस्ट ए फिक्स चार्ज टूगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ टेन किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीज वन हंड्रेड फाइव एंड फॉर ए जर्नी ऑफ फिफ्टीन किलोमीटर द चार्ज पेड रुपीजन हंड्रेड फिफ्टी फाइव वाट आर द फिक्स चार्ज

एक्स प्लस टू बाई वाई बाई टू वाई बाई वाई प्लस टू इसके नाइन बाई इलेवन सॉल्यूशन इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और एक इक्वेशन ये निकाल लिए फिर दूसरा इक्वेशन हम ये निकाल लिए और फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम सब्सूशन मेथड लगा करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे और एक्स वाई निकलेगा तो फ्लेक्शन हो जाएगा एक्स बाई वाई लास्ट क्वेश्चन इसका है लेट द प्रेजेंट गिवन द फाइव इयर्स हैंस एज ऑफ जेकब जेकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन फाइव ईयर्स एगो जेकब इजब्स एज वॉज से ध्यान देना है प्रेजेंट एजब का एज जो है उसमें दिया, दिया है फाइव ईयर्स हेंस हैं मतलब आगे बाद में यानी लेट द प्रजेंट एजब प्रजेंट एज एक्स ईयर एंड सन्स प्रजेंटेज वाई ईयर्स फाइव ईयर्स हेम्स एक्स प्लस फाइव आज के बाद पाँच साल एक्स प्लस फाइव ये वाई प्लस फाइव का थ्री टाइम्स होगा इस प्रकार एक इक्वेशन बन जाएगा फिर फाइव ईयर्स एगो पहले यानी एक्स माइनस फाइव ये सेवन टाइम्स है तो वाई माइनस फाइव इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा इस दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड होगा एक्स हो जाएगा वो जैकब्स एज और वाई हो जाएगा आपका उसमें इज इस तरह से ये होमवर्क आपको दिया ये एक्सरसाइज थ्री पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर थ्री टोट तो, मैंने आपका इक्वेशन बना दिया है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ये होमवर्क है और ये होमवर्क कॉपी में आप उसको बनाएंगे होमवर्क कॉपी में बनाएंगे और जब स्कूल खुलेगी तो मैं आपका कॉपी जांचूंगा दरअसल